अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आज एक न्यू ब्लॉग का आगाज़ कर दिया है और अभी हम जो है घर से निकले हैं। हमजा और अलीज़ा के स्कूल जा रहे हैं, एक्चुअली वहाँ हमें थोड़ा कुछ काम है तो बस हम लोग निकल गए हैं। तो आज जो भी मैं पूरा दिन करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी स्कूल चलते हैं, फिर मैं वहीं जाकर आपको से मिलती हूँ। स्कूल में तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो बस अभी स्कूल पहुँच जाएँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड, फाइनली हम हफ्जा अलीज़ा के स्कूल पहुंच गए। अब यहाँ जो हमारा काम है उन्हें निपटा लेते फिर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। और ये एक्वेरियम इनके स्कूल का, ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी फिशेज हैं। तो उठो उठो, क्यूट क्यूट फिशेस। और देखिए फ्रेंड्स, हमने हमजा को ले लिया है, पसीने में हो रहे हैं गर्मी में। बस अब हम लोग स्कूल से निकल गए हैं हमजा के और घर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब मैं हमजा के स्कूल से वापस आ रही थी तो एक बच्ची फूल बेच रही थी, इस तरह के वहाँ पर रेड लाइट वगैरह पर जो बेचती रहती हैं बच्चियाँ। तो बस फिर मैंने उससे दो फूल लिए 20 रुपीज़ हो करके, उसने 4 फूल मुझे दे दिए। देखिए, वैसे तो छोटा सा वो बना हुआ था, एक बुके टाइप छोटा सा बिल्कुल, जो गिफ्ट वाला होता है एक फूल का। फिर मैंने इसको ला के बॉटल में दे रख दिया, मुझे लगा थोड़ा दिन ज़्यादा दिन चल जाएगा ये, तो मैंने इसको ला के बॉटल में रखा। इतने खूबसूरत लग रहे हैं फूल, तो मतलब क्या कहना चाहिए ना, हर तरह से खुशी देते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है फूल, लेकिन सच बात यह है मुझे फूल पेड़ पे टहनियों पे उस पर ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तोड़ के फूल को ख़राब करना मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बॉटल में लग के कितने खूबसूरत लग रहे हैं फूल। वाओ, देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वाओ, और देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बनना है आलू पराठे। ये देखिए, ये बना रही हूँ मेरी फरीदाबाजी पराठे। ये देखिए आलू पराठे आज बनना है। ये आलू सब करके रख दिया था मैंने, बस वो आ रही है, आई और आटा गूंथ के पराठे बना रही हूँ। साथ में हमजा भी मुस्कुराते हुए। हमजा, तुमने पूरा पाउडर अपने उस पर डाल लिया पूरी शर्ट पे, ये क्या क्या बेटू? पूरा पाउडर डाल लिया शर्ट पे अपनी, क्या हुआ था? टॉय से खेला था, पाउडर डाल के क्या कर दिया, गंदी बात, सारा पाउडर अपनी शर्ट पे भी लगा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, अलीज़ा का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है और बर्थडे भी बिल्कुल करीब है अलीज़ा की। तो अलीज़ा ये स्कूल में बांटने के लिए अपने सब फ्रेंड्स के साथ, क्लास में सबके साथ शेयर करेंगे सब चीज़ें, लॉटो चोकोपाई और 5 स्टार प्लस पर्क, ये सब अपनी क्लास के स्टूडेंट्स बच्चों को सबको देंगी। एक्चुअली सबकी बर्थडे होती है तो सब बच्चे इस तरह ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको, तो अलीज़ा भी इस तरह ही करेंगी पैक कर करके। कौन से पाउच में? इस तरह के पाउच बनाएंगे, उसमें ये सब देंगे अलीज़ा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम अलीज़ा पैक करना शुरू हो गए सब सामान। ये पॉली बैग कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, पर मेरे पास अब और है नहीं, अब जिप लॉक मिलेंगे मेरी रात में, तो बस ये अलीज़ा दे देंगी एक चोकोपाई प्लस पर्क और 5 स्टार। हाँ फ्रेंड्स, ये अलीज़ा हमजा के डोरिटोज़ वगैरह, ये जो है इनका स्टॉक एक साथ ही आगे रखा जाता है कि ये, क्योंकि हमारे यहाँ वाला सीन नहीं होता कि जो रोज़ जाओ मार्केट रोज ले आओ, तो एक ही स्टॉक आगे रखा जाता है महीने में एक बार, फिर ये पूरे महीने बच्चे उसको वो करते रहते हैं, खाते रहते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स मैं इनको ज़्यादा चिप्स वगैरह देती नहीं हूँ, लेकिन ये स्टॉक जो महीने भर का रहता है उसमें होता है कभी शाम वाम में इनको भूख लगे, अगर कुछ और फ्रूट्स खाने का मन नहीं है तो कभी कभी ये लोग खा लेते हैं, डोरिटोस लेस, ब्रूलेज और डोरिटोस इनके फेवरेट हैं। तो ये सब सामान अभी मैं ज़रा पैक कर देती हूँ। और फ्रेंड फाइनली जिप लॉक हमें छोटा वाला मिल गया, ये भी रखा हुआ था मेरे पास, तो ये मिल गए। अब ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बड़े में अजीब से लग रहे थे, तो ये ऐसा पैक बनाया हम लोगों ने, 5 स्टार और पर्क चोकोबाई एंड 5 स्टार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितने सारे पाउच हमारे पैक हो गए, ये जो ने मुझे भी फाइनली इस काम पे लगा डाला।
ये सब मैंने पैक कर लिया, देखें कितने सारे पाउच हो गए। और अभी और हमारा समय पैक करना है, अभी आधा घंटा और लगेगा सब पैक करने में, क्योंकि स्कूल में सब बच्चों को देना, क्लास में टीचर्स को, बाकी अपनी वैन में सब बच्चों को। तो बस पैक करते हैं फिर जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने 3 बज रहे हैं, मैंने अपने ब्लॉग का आगाज़ कर दिया है आज के लिए। 2-3 दिन से मैं कोई ब्लॉग भी नहीं डाल पाई, तो बस आज मैंने स्टार्ट कर दिया अपना ब्लॉग। और मैं 3 बजे से आज किचन में आ गई हूँ। एक्चुअली आज मेरे घर पर डिनर पर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो बस उसी की तैयारी शुरू कर दी मैंने, क्योंकि 2-4 चीज़ें सब बनानी है मुझे, ज़्यादा मतलब डिशेज़ बनानी है तो करना होता है अकेले सब काम। तो जल्दी जल्दी मैं 3 बजे से भी किचन में आ गई। फिर ये होता है कि आप खाना रेडी कर दो तो गेस्ट को भी टाइम मिल जाता है, उनके साथ बैठ भी सकते हैं आप। तो इसीलिए बस मैं किचन में आ गई, अब जितना जो रेडी करती रहूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, अभी जो भी मैं बनाती रहूँगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी की यखनी मैंने बिल्कुल रेडी कर दी है, बस अब आखिरी में चावल डालूँगी जब सब आ जाएंगे। तो बिरयानी मेरी रेडी है। इधर मैंने कोरमे के लिए प्याज चढ़ा दिए, देखिए चिकन बिरयानी बना रही हूँ, चिकन कोरमा बना रही हूँ, प्लस मटन कीमा बनाऊँगी। तो बस रेडी कर रही हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई है और मटन कीमा रेडी है, दाल अभी दाल रेडी है, बस दाल का बघार करना है, कोरमा भी रेडी है, रायता रेडी है, बूंदी रायता। बस अब गेस्ट आने वाले हैं तो बस खाना निकालूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा मैं पहले ही आपको दिखा दूं, और मैंने आज फिर वही कपसूट पहना है जो मैं सभा के पहन के गई थी, यही टंगा हुआ था तो मुझे लगा यही मैं पहन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर जब खाना होगा तो मैं बिज़ी हो जाऊँगी, फिर मैं दिखा नहीं पाऊँगी, तो मैंने सोचा मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि अकेले आदमी फिर लगाना उठाना सब, बहुत सारे गेस्ट होंगे तो सबके सामने वो नहीं होता, तो टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे वीडियो बनाने का। तो बस अभी के लिए मैंने आपको सब दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया था, आज सैटरडे है, तो कल रात ये हुआ कि 11:30-12 बजे सब गेस्ट गए, उसके बाद मुझे सब समेटने समेटने में इतना टाइम हो गया। और फ्रेंड्स, इतनी गर्मी की वजह से मेरे इतना सर में दर्द हुआ, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी, इतना ज़्यादा सर में दर्द हुआ मेरे कि बस फिर मैं आई और जल्दी से अपना AC चलाकर लेट गई और सो गई जल्दी। तो बस आज मैं इंशाल्लाह ब्लॉग पूरा डाल दूंगी एक साथ, प्लस फ्रेंड अलीजा का बर्थडे वीक चल रहा है, तो बस अलीजा की भी वो है कि कल इंशाल्लाह अलीजा का बर्थडे है, तो देखिए आज रात को कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि इस बार पार्टी का कोई प्लान नहीं है एग्जाम की वजह से, तो कहीं बाहर ही जाएंगे अगर थोड़ी बहुत देर के लिए गए तो। प्लस दूसरा ये है कि अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ डॉक्टर के, मम्मी का MRI वगैरह होना है, उनकी कमर में बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही, तो मैं और हुमा साथ जा रहे हैं उनके। तो बस अब निकलते हैं घर से, और जो भी रहेगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी उमा, मम्मी सलाम, हम लोग निकल गए, पहले मम्मी का MRI कराएंगे, उसके बाद तो और मम्मी के टेस्ट वगैरह होने, तो बस ये सब हो जाए, उसके बाद जो है घर आएंगे वापस, हॉस्पिटल जाएंगे, आई हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, तो आज बहुत सारे काम है मम्मी के, क्योंकि फिर छुट्टी नहीं मिलती है, फिर मम्मी के साथ हम हो जाता है, उमा का भी मसला होता है, छोटी होती है कुसुम, तो बस आज हम लोग निकले तो मम्मी के यहाँ इंशाल्लाह आज सारे काम करा देंगे, बस उसके बाद घर जाएंगे। और ये हम फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए, IBS हॉस्पिटल, जहाँ मम्मी का MRI होगा प्लस और टेस्ट वगैरह होंगे। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पर टेस्ट कराते हैं मम्मी के। देखिए ये हॉस्पिटल स्पेशली ब्रेन एंड स्पाइन के लिए, अब बहुत शानदार लग्जरी हॉस्पिटल है, कितने से अच्छे, देखिए किस तरह अच्छा सब बना हुआ है, किसी को कोई ज़रूरत हो ब्रेन और स्पाइन के लिए। वैसे तो सबसे अच्छी बात है अल्लाह ताला जितना हॉस्पिटल से सबको दूर रखे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। तो कोई भी उसमें दिल्ली में आप इसके लिए आ सकते हैं। तो बस मम्मी का MRI हो गया, अब हम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, हम कुछ खाना वाना खाएंगे। मैम रिसेप्शन पे भी मिली हैं, तो ये स्पेशली आप आके मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल में देख सकते हैं, बहुत अच्छा और बहुत लग्जरी हॉस्पिटल है, प्लस सारी फैसिलिटी है यहाँ पे, ब्रेन एंड स्पाइन का मेन ये वो हॉस्पिटल है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू।
और फाइनली हम लोग जो है हीरा स्वीट आ गए वापस लाजपत नगर, क्योंकि जहाँ हम थे हॉस्पिटल वो लाजपत के बिल्कुल पास नहीं है, लाजपत के बैक साइड है। तो हम लोग मार्केट आ गए, हम यहाँ पे कुछ लंच कर लेते हैं हीरा स्वीट में। तो बस यहाँ से जो लंच करते हैं वो दिखाते हैं, मैं आपको क्या मंगाती हूँ। मैं भी आज तुम्हें भूख लग रही है, आज तुम्हें भूख लग रही है, आपको ही भूख लग रही है। हम हवा में खाते हैं, हवा में नहीं, तुम खाती रही हो ना अभी तो, यही तुम्हारी सेहत का राज है। हम खाते बहुत हैं हम तो फिर, लेकिन फुकाते भी बहुत। अरे फ्रेंड्स, जल्दबाजी में भूख इतनी लग रही थी मैं भूल ही गई। ये मैंने चाइनीज़ प्लेटर मंगाया है, हाँ ये चाइनीज़ प्लेटर, और मम्मी को मैंने, तो मम्मी शेयर ही कर रही है, और हुमा ने मंगाया रवा डोसा, प्लस हमने मंगाया ये लाइम जूस, वो लाइम सोडा। ये देखो, ये मेरा सब चाइनीज़, आज मेरा चाइनीज़ खाने का मन था, पता नहीं क्यों अंदर से। और देखिए फ्रेंड्स, हुमा का आज शॉपिंग का मन है, और ये मुझे लाजपत नगर मार्केट में ले आई, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था आज मार्केट का, तो ये मैडम जी मुझे यहाँ भी ले आई। चलो देखते हैं इनको क्या क्या लेना है, बस फिर यहाँ से अपना काम ये कर लें, फिर निकल जाऊँगी मैं। क्या पी रही हो? दिस इज ब्लू लगून मोइटो। बहुत बेकार लग रहा है मुझे, हमने बनवा दिया इतना बढ़िया आदमी। लाइम वाला अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, हमेशा पीते हैं ना कभी कभी गिफ्ट चाहिए। तो फ्रेंड, बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, हम अभी रिपोर्ट लेने गई अंदर से, डॉक्टर रिपोर्ट अभी मिलनी थी हमारे की, तो बस हम रिपोर्ट लेने गई। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब अपने अपने घर जाएंगे, बस तभी हम पहुँचते थे। चलिए अल्लाह हाफिज़, और अब घर जाते हैं, घर पहुँच कर बात करते हैं। तो फ्रेंड 6 बज रहे हैं, मैं घर आ गई हूँ फाइनली, और फ्रेंड्स अब मैं आज ये ब्लॉग इंशाल्लाह भी डाल दूंगी। आप देखिएगा मैंने 2-3 दिन के जो कुछ शूट किया है वो मैंने सब इस ब्लॉग में डाला है। तो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड जो मैंने हॉस्पिटल दिखाया आपको, मैं अभी नाम उसको है, तो उस हॉस्पिटल का भी आप ध्यान रखिए कि अगर किसी को, वैसे मैंने जैसे कहा कि कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी उसकी प्रॉब्लम है स्पाइन की या ब्रेन की या उसकी, तो आप उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो एक अच्छा, ऐसे कैसे मुंह बना के बैठो। डॉक्टर की मम्मा के साथ क्यों जाओगे तुम? नहीं नहीं, डॉक्टर के नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल बच्चे नहीं आते। तो बस फ्रेंड, अब मैं व्लॉग यहाँ खत्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, कल का मैं जो गेस्ट आए थे, मैं डिनर का व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा मैं सबके सामने वीडियो बनाऊँ या शूट करूँ। तो जो मैंने डिशेज बनाई थी मैंने सब आपके साथ शेयर करी, सबको खाना बहुत अच्छा लगा था। तो बस कल का मेरा यही रूटीन रहा, और इससे पहले 1-2 दिन का जो रहा। तो बस अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, और जल्दी मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ गाइस, प्लीज़ मामा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, घंटी बजा दें, और प्लीज़ मेरे चैनल के लिए कमेंट करें। बाय, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।